सिलसिला। खबर है अलीराजपुर के जोबड़ से, जहां पर एक लड़की ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पहले लड़की ने अपना एक वीडियो बनाया। मामला जोबड़ के बाग रोड का है, जहां देर रात्रि जोबड़ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपनी जान दे दी। लड़की ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें लड़की ने दो लड़की एवं एक लड़के के द्वारा अपने पिताजी को और अपने आप को परेशान करने की बातें बताई। वह लड़की के बाप का कहना है कि मेरी बेटी के साथ मनोज सिया गायत्री के द्वारा मानसिक प्रताड़ना किया गया। मैं शासन से हाथ जोड़कर न्याय की मांग करता हूँ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए भेजा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजधानी समाचार के लिए जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। मेरे पापा की कुछ गलती नहीं और मेरी गलती है। मैंने मेरे पापा के मोबाइल से व्हाट्सएप से सिया को मैंने मैसेज करे थे, मेरे पापा ने नहीं करा। मैं सिया और मनोज गायत्री की वजह से मान रही हूँ। कल मतलब मैं तहसील कार्यालय से ड्यूटी से मतलब मेरा घर पे गया था, बेनू को से बात करी और 2000 रुपये बेनू से मांगे और मैं बेनू घर जा रही हूँ और बोल के ना मेरे गांव में चला गया था। और सुबह मतलब शाम को फ़ोन करा था बेनू ने कि मम्मी तो कब आएगी बोला, तो दो एक दिन में आ जाएंगे ऐसा बोला। फिर बाद में सुबह हमने फ़ोन नहीं लगाया ना, इनने भी नहीं लगाया। फिर मेरे घर में किराएदार बोला कि भैया ये तो बेनू नलायला तो पानी भी नहीं भर रहे ना, बकरियाँ चिल्ला रहे तो उठ ही नहीं रहे घर के बोला। तो फिर मैंने भी फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाया नहीं। फिर बाद में हम दौड़ के आए तो आके वही दरवाज़ा मैंने भी चिल्लाया, ठोका तो नहीं खोला। फिर बाद में पड़ोस में सब्बल मांगी और दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे, ताला लगेला था अंदर से। अंदर घुसे तो वो तो रस्सी से टंगी हुई थी, अचानक उठा लिया ना। फिर चिल्ला चिल्ला कर घबरा गए कि रस्सी काटो, कि रस्सी काटने से क्या, वो तो पूरी ख़त्म हो गई थी, कड़क हो गई थी। वही दो तीन छोरे का नाम ले रही थी पहले से ऐसा कि ये छोरे मेरे को परेशान करते ना, मेरे को पहले तो रखने का बोला था ना, अभी दूसरी छोरी के चक्कर में पड़ गया ना, मेरे से बात नहीं करता पापा, ऐसा बोल रही थी। पहले मेरे से बात अच्छी करता था ना, अब मेरे को लंगड़ी भागड़ी देता है तो लंगड़ी भागड़ी तो पहले क्या देखा, अब जाके नहीं क्यों ऐसी लंगड़ी भागड़ी बोल रहा करके ना। तो मेरे को ये पप्पा लंगड़ी भागड़ी बोलते रहते तो कुल्हा चेंज करवा लो, मेरे को ठीक हो जाऊँ तो अच्छा, मेरे को जो बोलते तो अच्छा नहीं लगता करके ना। आप क्या चाहते हो? क्या आप क्या चाहते हो? मेरे को जो ऐसा करने वालों को सख्त कानून मतलब इनको सजा मिलना चाहिए। हम ऐसा मतलब कोई भी विकलांग हो कैसा भी तो ऐसा होएगा तो फिर कैसे जिएंगे। मेरी छोरी विकलांग है, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद ये चीज़ ठीक नहीं हो पाई तो मैं क्या करूँ। और ऐसा लोगों में ऐसा मतलब भावना है कि विकलांग है तो इनको ऐसा हीन भावना से देखते, ऐसा देखना नहीं चाहिए। अब मेरा भी क्या कसूर, उसका भी क्या कसूर, कोई बीमार हो के ना ऐसा होगा तो क्या कर सकते हैं। कानून के हिसाब से इसको सख्त से सख्त उसको सजा मिलना चाहिए और उसको मृत्युदंड तक मिलना चाहिए। मेरी एक ही छोरी थी, फर्स्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर में पढ़ती थी और इतनी समझदार थी, पूरा घर उसको सौंप रखा था मैंने, जो भी पैसे तक है उसको मतलब सौंप के आता था। मेरी इतनी छोरी समझदार थी कि मतलब क्या कर किसको मेरी छोरी बनाऊंगा। क्या नाम है आपको? मेरा गुलाब सिंह बघेल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.